सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पीएम मोदी को लिखा खत, पशु क्रूरता के खिलाफ कानून में बदलाव की मांग की। भारतीय पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में दंड का प्रावधान काफी पुराना है, जिसमें पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले अपराधी के दोषी पाए जाने पर अधिकतम ₹50 जुर्माने का भुगतान शामिल है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ये पत्र उन्होंने पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोगों यानी पेटा की तरफ से लिखा, जिसमें उन्होंने पशुओं के साथ क्रूरता भरे काम को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त दंड का अनुरोध किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा सिद्धार्थ ने खत, पशुओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को देखते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेटा की तरफ से एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में दंड का प्रावधान काफी पुराना है, जिसमें पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले अपराधी के दोषी पाए जाने पर अधिकतम ₹50 जुर्माने का भुगतान शामिल है। ये कानून कलाई पर चिट्ठी काटने जैसा है। जो भी पशुओं के साथ क्रूरता का दोषी पाया जाता है, उसे जेल और अर्थपूर्ण जुर्माना लगाया जाना चाहिए। साथ ही उसकी काउंसलिंग और पशुओं के साथ संपर्क पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(a)(g) के तहत पशुओं के प्रति करुणा दिखाने के हमारे कर्तव्य को बेहतर तरीके से पालन किया जा सकता है और उन्हें बड़े पैमाने पर हिंसक व्यवहार से संरक्षित किया जा सकता है। देश की प्रतिष्ठा को हो रहा नुकसान। सिद्धार्थ ने आगे कहा कि यही वजह है कि हमारे देश में अखबार विभत्स पशु उत्पीड़न की खबरों से भरा रहता है, जिसमें कुत्तों को जहर देकर मारने, गायों को एसिड से जलाने, बिल की पीट पीट कर हत्या कर देने जैसी घटनाएं शामिल हैं। ये पशुओं के प्रति सम्मान के रूप में हमारे देश की प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा रहा है।